नमस्कार दोस्तों, डिजिटल हिंदी में आपका स्वागत है। और आज है हमारे पास सैमसंग की गैलेक्सी एम सीरीज़ का पहला स्मार्टफोन जो है गैलेक्सी M20। बॉक्स के पीछे इसका प्राइस लिखा हुआ है 13,990 रुपीज़, लेकिन जो एक्चुअल प्राइस है वो हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है। इस फ़ोन की अवेलेबिलिटी की जानकारी भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहाँ जाकर उसे चेक कर सकते हैं। तो खोलते हैं इस डब्बे को, और हमने इस फ़ोन को ऑलरेडी बॉक्स से निकाल कर स्विच ऑन करके सेटअप कर दिया था, ताकि हम आपको इस फ़ोन के बारे में और अच्छे से बता सकें कि इस फ़ोन के फीचर्स क्या हैं, किस तरह से काम करता है ये फ़ोन, इसके यूज़र इंटरफेस के बारे में हम आपको थोड़ी डिटेल्ड जानकारी दे पाएँ। स्लाइड करके खुलेगा ये बॉक्स इस तरीके से, और बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा ये क्विक चार्जर, फास्ट चार्जर है ये, और आपको मिलती है USB टाइप सी केबल, और ये रहा इसका सिम इजेक्टर टूल। आपको बॉक्स के अंदर कोई कवर नहीं मिलता है, ये थोड़ी सी चौंका देने वाली बात है, क्योंकि आजकल हर फ़ोन के साथ आपको, खासकर मिड रेंज फ़ोन्स के साथ आपको एक कवर ज़रूर मिलता है, लेकिन इस फ़ोन के साथ आपको एक कवर नहीं मिलता है। फ़िलहाल हम इस बॉक्स को यहाँ पे साइड पे रख देते हैं और बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यह है सैमसंग का नया गैलेक्सी M20 स्मार्टफोन, और इस फ़ोन में जो नॉच दी हुई है वो काफ़ी छोटी है, बिल्कुल जैसे वाटर ड्रॉप या ड्यू ड्रॉप नॉच डिज़ाइन जैसे होता है, ये कुछ वैसा ही है। लेकिन सैमसंग इसे इन्फिनिटी वी डिज़ाइन बोलता है, इन्फिनिटी वी डिज़ाइन है ये सैमसंग का। ये 6.2 इंच की एक फुल HD प्लस डिस्प्ले है, और यहाँ पे जो नॉच है उसमें जो सेल्फी कैमरा दिया गया है वो 8 मेगापिक्सल का है F2.0 अपर्चर के साथ। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि बेजल्स काफ़ी कम है साइड्स पर, यहाँ पे चिन थोड़ी सी मोटी है, लेकिन कोई बात नहीं, इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि आपको कॉन्टेंट स्ट्रीम करते समय या देखते वक्त कोई प्रॉब्लम आए। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि सैमसंग ने इस बार अपना नया एक्सपीरियंस UI 9 इंप्लीमेंट किया है इस फ़ोन के अंदर, जो चलता है एंड्रॉयड 8.1 ओरियो पर। अगर हम इसके सेटिंग्स में जाके अबाउट फ़ोन में सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाएं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एंड्रॉयड वर्जन इस फ़ोन में दिया गया है वो है एंड्रॉयड ओरियो 8.1, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी इस फ़ोन के लिए एंड्रॉयड 9 पाई भी आ जाएगा। एक्सपीरियंस वर्जन 9.5 दिया गया है इस बार, तो आप बेटर परफॉर्मेंस और ज़्यादा स्मूद ट्रांजिशंस और यूसेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहाँ तक बात आती है यूज़र इंटरफेस की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऐप्स के आइकन्स को भी चेंज कर दिया गया है यहाँ पर, और कुछ ऐसा दिखेगा इसका ये ड्रॉप डाउन मेन्यू। यहाँ पे सारी हमारी ऐप्स डाउनलोड हो रही हैं, इसलिए आपको इतनी सारी नोटिफिकेशंस यहाँ पे देखने को मिल रही है। और बात करें अगर यहाँ नीचे, तो आपको दिया गया है एक टाइप सी पोर्ट, ये रहा इसका हेडफोन जैक, थैंक गॉड यहाँ पे एक आपको हेडफोन जैक मिलता है, और ये है इसकी स्पीकर ग्रिल। और अगर रेयर साइड की बात करें, तो इसकी रेयर साइड ग्लॉसी है, और इस पर फिंगरप्रिंट्स काफ़ी आसानी से आ जाते हैं, ग्लास की बनी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक ग्लॉसी प्लास्टिक बैक है। यहाँ पे आपको एक डुअल रेयर कैमरा सेटअप मिलता है 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का, जो 13 मेगापिक्सल का सेंसर है उसमें F1.9 अपर्चर दिया गया है, और ये रहा इसका LED फ्लैश, ये रहा इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर। और इस फ़ोन में मेरे ख्याल से फेस अनलॉक का भी फीचर मौजूद है। एक बार हम सेटिंग्स में जाके चेक कर लेते हैं क्या ऐसा है। सेटिंग्स में जाके हम लॉक स्क्रीन में अगर हम जाएं, नहीं लॉक स्क्रीन में नहीं, एक्चुअली हम जाएंगे बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी में, तो यहाँ पे आपको फेस रिकग्निशन का फ़ीचर मिल जाता है। मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस यहाँ पर बढ़ा देता हूँ डिस्प्ले की। फेस रिकग्निशन का फीचर आपको यहाँ पे मिल जाता है, आप अपना फेस रजिस्टर करके इस फ़ोन को लॉक कर सकते हैं, और फिंगरप्रिंट स्कैनर तो खैर दिया ही गया है इस डिस्प्ले में। बैटरी की बात करें, तो इस फ़ोन में 5000 mAh की बड़ी बैटरी है, जो कि बहुत अच्छी बात है, और क्योंकि आपको एक USB टाइप सी चार्जर मिलता है, इसका मतलब आप कम समय में इस फ़ोन की बैटरी को फुल चार्ज कर सकते हैं। ये फ़ोन चलता है सैमसंग के नए एक्जिनोस 7904 प्रोसेसर पर, जो कि बिल्कुल नया प्रोसेसर है जो कि सैमसंग ने इस फ़ोन के लिए बनाया है। ये 1.8 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 4GB रैम है इस फ़ोन में, और 64GB की इंटरनल स्टोरेज है, जिसे आप एक्सपैंड कर सकते हैं माइक्रो SD कार्ड के ज़रिए। और काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी लग रही है इस फ़ोन की, और ये फ़ोन असल में रियल लाइफ में किस तरह से परफॉर्म करता है, कितनी अच्छी इसकी बैटरी लाइफ है, ये तो हम आपको रिव्यू के बाद ही बताएंगे। अगर हम एक बार इसका कैमरा ओपन करेंगे, तो यहाँ पे आपको प्रो मोड मिल जाता है, ब्यूटी मोड मिल जाता है, यहाँ पे इसका स्मार्ट ब्यूटी मोड है, स्किन स्लाइडर है, फेस
के हाइलाइट्स को आप ठीक कर सकते हैं, आईज़ को भी आप यहाँ पर ठीक कर सकते हैं इस ब्यूटी मोड की मदद से। लाइव फोकस मोड भी दिया गया है इस फ़ोन में, इसका मतलब आप बोके फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद उस बोके को एडजस्ट भी कर सकते हैं, बैकग्राउंड ब्लर को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ स्टिकर्स भी मिल जाते हैं और कंटिन्यूस शॉट का भी आपको फीचर मिल जाता है। तो यहाँ पे आप एक साथ काफ़ी सारे शॉट्स एक साथ क्लिक कर सकते हैं अगर, और फिर उसमें से सबसे अच्छा फोटोग्राफ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम वीडियो की बात करें, सेटिंग्स में जाके अगर हम यहाँ वीडियो को चेक करें तो आपको फुल HD रेजोल्यूशन पर आप वीडियो इस पर शूट कर सकते हैं और 19.5:9 के रेजोल्यूशन पर भी आप वीडियो शूट कर सकते हैं, ये एक अच्छी बात है। 1:1 रेजोल्यूशन में भी आप शूट कर सकते हैं, यानी कि अगर आप अपने सोशल मीडिया चैनल्स के लिए, जैसे कि इंस्टाग्राम के लिए अगर आप एक वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। और फ्रंट कैमरा से भी आप सेम फुल HD वीडियोस 19.5:9 और 1:1 रेशियो में वीडियो शूट कर सकते हैं। तो दैट्स इट गाइज, ये थी सैमसंग के गैलेक्सी M20 की अनबॉक्सिंग। जैसा कि हमने आपको बताया कैसा है ये फ़ोन, एक्चुअल रियल लाइफ परफॉर्मेंस कैसी है इसकी, इसका डिस्प्ले कितना अच्छा या कितना ख़राब है, इसकी बैटरी लाइफ कितनी अच्छी है, कैमरा कितना अच्छा है, ये सब हम आपको रिव्यू में बहुत जल्दी बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल अगर आपको इस फ़ोन के बारे में कोई सवाल पूछने हैं तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और डिजिट हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। डिजिट हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।